जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक ज़बरदस्त ब्लॉग लेके। और जैसे कि आपको पता है, कराची में तूफ़ान आ रहा है, बारिश हो रही है, हो नहीं रही है लेकिन आ रहा है। चलें, आ रहा है तो आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, मैं अभी सारे जो है रिफ़िल कर रही हूँ, सामान जो मेरा सारा ख़त्म हो चुका था। तो और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पूरी और आलू। तो यहाँ जो है मैंने आलू जो है ना उबलने के लिए रख दिए। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर वगैरह सब डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। और फिर देखिए आगे ये कैसे बनाती हूँ मैं। पहले हम रिफ़िल कर लेंगे। तो ये नमक जो है, ये पिंक सॉल्ट, काफ़ी सारा इन्होंने दिया है 60 रुपये में। देखें कैसा होता है, चलिए मैं डालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो है ना, मैंने नमक और ये कुटी हुई लाल मिर्च रिफ़िल कर लिया। अब मैं मसाले डालती हूँ अपने आलूओं में। तो ये सब सामान हटा दूँगी। ये देखें थोड़ी सी बची है। तो ये इम्तियाज से तो सस्ती पड़ी है हमें। तो चलिए देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। ये मेरे आलू हैं, इसमें मैंने जो है ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा, और डालूँगी। और इसके बाद जो है थोड़ी सी हरी मिर्ची भी तो डालेंगे ना, इतनी ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी। लिटिल बिट ऑफ हल्दी, थोड़ी सी और अभी मैं टमाटर और हरी मिर्ची डालूँगी। तो अब मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी और ये तेज़पत्ता ये डाल दिया है। आपके पास धनिया हो साबित वो डाल दें, मेरे पास नहीं है। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ऑलमोस्ट भी आलू उबलने तक। फिर आप आगे के प्रोसेस देखें क्या होता है। अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। कहते हवाएँ चलनी हैं बाहर, तो उसके मुताबिक हम लोग खाना बना रहे हैं आज। यहाँ पे देख लेंगे हम अपना सालन कि वो तैयार हुआ है नहीं हुआ, आलू मतलब गले हैं नहीं गले। तो ये देखें यहाँ पे बॉयल आ चुका था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये इसकी मदद से मैं इसको करके देख रही हूँ। जी आलू गल चुके हैं। ये सारे आलू मैं ऐसे तोड़ लूँगी। सारे में तोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सारे आलू जो है ना, मैंने रिस्क की मदद से पीछे लिए, मैशर की मदद से। तो देखें अभी थोड़ा ही पतला है, तो अभी पानी सूखने तक और मैं इसको बनाऊंगी। और मैंने नमक जो है नहीं डाला था, मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो अभी इसको पकने देते हैं और ये थोड़ा सा ठीक हो जाए, और इसके बाद मैं इसमें छोले ऐड कर दूँगी। जो है पूरियों की तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है मैदा ले लिया है, सिर्फ मैदा लिया है, और दही है, ज़ीरा है, नमक है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी पहले दही के साथ, फिर उसके बाद ऐसा अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी डालूँगी। यहाँ पे जो है ना, मैंने आटा जो है ये गून लिया है। तो मैंने इसको पानी से गूना है, आप चाहें तो ऑयल से भी कर सकते हैं। ऑयल से मुझे चाहिए हैवी लगता है, इस वजह से मैंने ऑयल से नहीं किया, बस मैंने पानी से किया है। और दही से जो भी गूँधा है, दही इसलिए डाला है दही से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब मैं इनको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, इसके बाद फिर मैं इसको सेट कर दूँगी। सालन देख लेंगे। तो ये देखें ये गाढ़ा हो गया है। अगर आपको और गाढ़ा करना है तो और कर लें, मेरे ख्याल से तो ये सही है। छोले में सोच रही हूँ नहीं डालूँ, उसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए छोलों की वजह से। सही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अचार डाल दूँगी, हरा धनिया डाल दूँगी और पैसे रेडी हैं फिर। तो चलिए मैं डाल दूँ। अभी जो है ना, मैंने थोड़ा सा अचार और हरा धनिया वगैरह डाल के अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। ये तैयार है, इसके बाद मैं बंद कर दूँगी, फिर मैं आऊँगी पूरियों की तरफ। तो चलें देखते हैं। रुक गई है। आटे को सेट करने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। और यहाँ पे जो है मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, जैसे गर्म होता है उसके बाद मैं पूरियाँ बना लूँगी। मैंने एक पूरी पेड़ ली है, अब मैं इसको उठाऊँगी और उसे सही कर लूँगी। एक उसे डाल दूँगी। तो जी मैंने सबसे लास्ट में खाना खाया था, तो लास्ट में राहिल मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाई, तो ऐसी पूरियाँ बनाई उन्होंने। तो लेकिन काफ़ी अच्छा बना था, मौसम के लिहाज से खाना था। तो बस हम लोगों ने खाना खाया जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। हमें जाना था $1 शॉप, कुछ सामान लाना था मुझे। तो
इस वजह से। तो हम लोग निकल गए थे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन आधे रास्ते पे जब हम पहुँचे इतनी तेज़ बारिश हो गई तो हम लोग रुक के वेट कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे RBS मॉल आए थे $1 शॉप पे, तो वहाँ से कुछ सामान लिया हम लोगों ने, तो वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। तो आप बारिश देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी हो रही है। तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो फिर मैंने घर आके जो सामान लिया मैंने उसकी वीडियो बनाई। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम का, ये अनाबिया का सामान है, फिर से अनाबिया का, मेरे मतलब का कोई सामान नहीं मिला वहाँ पे। तो यहाँ पे दो सामान इसलिए हैं क्योंकि अनाबिया की जो आपी हैं, यानी कि मेरी जो जठानी की बेटी है, तो उन्होंने भी सामान लिया था, वो भी साथ हमारे थे बच्चे दोनों, तो उनकी बर्थडे है, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहीं से जो भी गिफ्ट है हम लोगों ने सोचा इसके दिला देते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये जहाँ जाती, जहाँ भी कहती ले जाते, लेकिन उसने यहाँ की फरमाइश की तो हम यहाँ पे चले गए। तो ये स्ट्रॉ लिए थे इन लोगों ने, और ये खाने पीने की चीज़ें थी, और ये क्लिप्स वगैरह थे नाबिया के भी हैं ये, तो और ये उसके आपी के भी हैं। तो ये सब था, ये लिया है एक मैंने, ये खाने वाने में डालने के लिए पानी ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छी खासी क्वान्टिटी में आ जाता है। उसके अलावा जो है मैं लेने गई थी प्लास्टिक की जो टोकरियाँ वगैरह होती हैं, वो नहीं थी वहाँ पे, तो अनाबिया ने उल्टा सीधा सामान ले लिया जो लेना था। तो ये भी अनाबिया ने लिया है, और ये मैंने लिया था। असल में ईरान से आते हैं ये, तो ये अच्छे होते हैं, तो एक ही मुझे बास्केट मिल पाई वहाँ पे जो मेरी समझ में आई। तो और एक ये लिया था, ये भी आप ही ने लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने ये सिंग क्या था, पता नहीं सिंग कैचर क्या कहते हैं इसको, ये लिया था, ये काफ़ी काम का था। ये भी अनाबिया ने लिया था। तो ज़्यादा सामान आपको हमारे घर पे अनाबिया का ही लाया हुआ दिखता है, देखेगा। और ये भी अनाबिया ने लिया था, और इसी से खेले जा रही है अभी तक। तो ये बस थोड़ा बहुत हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। मैं असल में ये सारी प्लास्टिक की सामान लेने गई थी, तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो इंशाल्लाह फिर जाऊंगी और फिर देखूंगी जाके। तो बस ये सब अनाबिया का सामान था, और उसके बाद आके मैंने खाना बनाया था, खाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।